सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT 3 के बारे में। जैसे कि ऑल यू गाइज आर नो दैट कि अभी बिग बॉस OTT 3 का जो कहर है ना, वो COVID-19 से भी ज़्यादा फैल चुका है हमारी इंडिया के अंदर। आई मीन शिवानी कुमारी जब से बिग बॉस में गई है, और अरमान मलिक, जो कृतिका मलिक, पायल मलिक जब से बिग बॉस में एंट्री करे हैं, तो उसकी वजह से आई थिंक दैट कि ज़्यादा ही कुछ मतलब ट्रेंडिंग पे चल रहा है बिग बॉस OTT 3। सो अभी हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 15 के बारे में, जो कि आज आएगा। तो वो एपिसोड क्या है एक्चुअली, आज के एपिसोड में बिग बॉस ने कुछ टास्क दिया है घर के लोगों को, और वो टास्क कुछ इस तरीके से है कि उनको पहचानना है बाहर वाले को। जैसा कि वी ऑल आर नो दैट कि अभी बाहर वाला लवकेश कटारिया है, और बाहर वाले को ढूंढने का टास्क दे रहे हैं बिग बॉस। सो जो टास्क है वो कुछ इस तरीके से है कि घर वालों को क्या करना है कि नहीं, दो डिटेक्टिव्स को चूज करना है, जो कि बेसिकली सबको मतलब सबको इस तरीके के क्वेश्चन पुट करेंगे कि क्या आप बाहर वाले हो, और जो डिटेक्टिव्स होंगे जो घर वालों के द्वारा ही चूज करे जाएंगे, उनको ये चीज़ मतलब सिर्फ और सिर्फ उनके एक्सप्रेशन से, जो लोगों के एक्सप्रेशंस होंगे, लाइक क्वेश्चन पुट करेगा डिटेक्टिव कि क्या आप बाहर वाले हो, और उसके बेसिस पे, उनके रिएक्शंस, उनके एक्शंस के बेसिस पे डिटेक्टिव को जज करके बताना है कि हाँ ये बाहर वाला है। इस टास्क में कुछ मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी परमिशन नहीं दी गई है। लाइक बिग बॉस का कहना है कि कोई भी फ़ोन नहीं छुएगा किसी का भी। तो यहाँ पे देखा गया है कि जैसे हम सबको पता है लवकेश कटारिया बाहर वाला है, तो वो क्या कोशिश कर रहे थे कि वही वही डिटेक्टिव बन जाए, जिसकी वजह से उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पुट करेगा, तो वो एक्सप्रेशंस नहीं देंगे, तो फिर कोई भी उनको पकड़ नहीं पाएगा। और अगर घर वाले पकड़ लेते हैं कि हाँ ये बाहर वाला है, तो फिर जो बाहर वाला है वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि लव कटारिया के प्लेस पे कोई और बाहर वाला बनेगा। इस तरीके का टास्क बिग बॉस ने दिया था। तो यहाँ पे लव कटारिया ने काफी ज्यादा कोशिश करी कि वही बने डिटेक्टिव, बट चंद्रिका गेरा दीक्षित मतलब कि वड़ा पाव गढ़ ने यह बात कही कि ये जो लोग ज्यादा बनने की कोशिश कर रहे हैं ना कि नहीं हम डिटेक्टिव बनेंगे, तो बेसिकली वही लोगों में से कोई ना कोई बाहर वाला है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें उसको चूज ही नहीं करना। तो इसलिए फिर लवकेश कटारिया जो है वो थोड़ा सा डर जाते हैं, और वो साइड होकर के बैठ जाते हैं कि नहीं अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो यहाँ पे अरमान मलिक और सना मकबूल जो हैं वो डिटेक्टिव बनते हैं, और वो सबसे क्वेश्चंस वगैरह पुट करते हैं। अब देखना ये है कि पकड़ में आता है लवकेश कटारिया या नहीं। अगर लवकेश कटारिया पकड़ में आ जाते हैं कि वो बाहर वाले हैं, तो फिर बाहर वाले को रिप्लेस करके आई थिंक, जो मेरा जजमेंट है, शिवानी कुमारी और अरमान मलिक में से कोई एक बनेगा बाहर वाला, और शायद दीपक चौरसिया भी बन सकते हैं। तो देखते हैं गाइस कि कौन बनता है न्यू बाहर वाला, क्योंकि हम सभी को पता है बाहर वाले के पास में बहुत सारी पावर्स होती हैं, और मैं तो बेसिकली चाहती हूँ कि जो बाहर वाला है वो शिवानी कुमारी बने, जिससे उसके पास में थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी अपने आप को सेव करने के लिए। खैर इस नॉमिनेशन में तो वो नॉमिनेट नहीं हुई है, बट आगे चल के वो नॉमिनेट हो सकती हैं। तो होप सो बाहर वाली शिवानी कुमारी बने। सो यस गाइस, ऑब्वियसली बिग बॉस देखने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं बाहर जाके। जैसे कि अभी सबको पता है कि 15-16 कंटेस्टेंट्स आए थे, और अभी 13 बचे हैं, जैसे पायल मलिक, नीरज कोयट, और जो हमारे क्या नाम था यार, पौलमी दास जो हैं वो एविक्ट हो चुकी हैं, और अब देखते हैं आगे चल के कौन एविक्ट होता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब जो नॉमिनेट होंगी, एविक्ट होंगी, वो है हमारी मोनिशा। सो लेट्स सी, वो जो टैरो कार्ड गर्ल है ना वो। तो देखते हैं कि कौन नॉमिनेट होता है। बिग बॉस कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, और आज का एपिसोड, ये टास्क वाला, किस किस ने देखा वो भी कमेंट करके बताना। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड मेरे व्लॉग को भी आप थोड़ा बहुत प्यार दीजिए जो मैंने पहले डाले थे। अगर उस पर प्यार मिलता है तो मैं अगेन व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करूँगी। ओके गाइज, बाय बाय।